मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। सिंधिया परिवार को गद्दार बताए जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भड़क गए। अब कांग्रेस से सवाल पूछते हुए पलटवार किया। सिंधिया ने कांग्रेस के द्वारा की गई उनकी आलोचना पर ये कहा कि अगर ऐसा था तो उनके पिता और उन्हें कांग्रेस के अंदर शामिल क्यों किया गया। उन्होंने आगे कहा कि वो अपना काम जिम्मेदारी के साथ करते रहेंगे। जिन्हें इतिहास का एक भी पन्ना ना पड़ा हो उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। और मैं और मेरा परिवार कर्म विचार और विचारधारा से ग्वालियर के, ग्वालियर संभाग के, मध्य प्रदेश और राष्ट्र के लिए समर्पित है। कहना है कहने दो, मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित है और देश के प्रति समर्पित। प्रियंका गांधी ने कहा और मुझे किसी को भी, खास करके मंच पे जो बैठे हुए थे, उन लोगों को मुझे अपना प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि बीते दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा जन आक्रोश रैली में पहुंची थी। यहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सीधा वार नहीं किया। यहां उन्होंने रैली की शुरुआत में दो टूक शब्दों में कहा कि मैं जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए आई हूं। मुझे आधे घंटे का भाषण देना है, मैं चाहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 10 मिनट बोल सकती हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर 10 मिनट तक बोल सकती हूं कि उनकी विचारधारा एकदम कैसे पलट गई। आगे उन्होंने कहा कि मैं सीएम शिवराज पर भी 10 मिनट तक बोल सकती हूं, लेकिन मैं आपकी बात करने आई हूं, आपके मुद्दे उठाने आई हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहां खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूं। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूं कि कितनी घोषणाएं नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूं कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहां आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूं, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से दोनों नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में जनता किसको सरकार बनाने का मौका देती है और 2024 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें किस पार्टी को देता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनटी।